हेलो डियर स्टूडेंट, तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन को कर लिया था, डील कर लिया था अच्छे से, नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो मैं एक एक करके बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी या फिर मैं यहाँ पर बोलता हूँ बच्चों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका होता क्या है बच्चों, समझ लेते ध्यान से। अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप एक्चुअली में आप लोगों का होता क्या है इसको हम ध्यान से समझते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक्चुअली में आपका होता क्या है बच्चों, देखो जैसे मेरे पास कोई एटम है, ये मैंने कोई एटम बना दिया, ये मैंने यहाँ पर कोई एटम बना दिया बच्चों, देखो मैं बना देता हूँ बच्चों ध्यान से समझेंगे, ये मैंने कोई एटम बना दिया। अब एटम का ये वाला शेल कौन सा है, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल। अब देखो वैलेंस शेल में कोई अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूं, इलेक्ट्रॉन को मुझे वैलेंस शेल में डालना है, मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या करना है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है मुझे वैलेंस शेल में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी बच्चों, रिलीज होगी, सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। और जो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, एनर्जी रिलीज कुछ सर्टेन अमाउंट में आप लोगों की एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी रिलीज होगी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन को ऐड करने पर बच्चों, वो एनर्जी आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब ध्यान से समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं इसलिए यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, तो इसलिए मैंने यहां पर क्या टर्म लिया बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, अब ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ एक्सोथर्मिक फिनोमिना। ठीक है, और यहां पर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, लेकिन फिर से वही टर्म बिल्कुल आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह यहां पर आपका कैसा होना चाहिए, गैसियस स्टेट, आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और आपका गैसियस एटम होना चाहिए। आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो आपका क्या होगा बच्चों, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आइसोलेटेड का मतलब अपने सिंगल स्टेट में रहे, किसी और के साथ कंबाइन ना रहे। ठीक है, आइसोलेटेड वर्ड का मतलब ये है कि आपका इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हो लेकिन आइसोलेटेड स्टेट में। अगर मैं बोलूं यहां पर Cl2 इज अ आइसोलेटेड स्टेट, नहीं, Cl2 आपका आइसोलेटेड स्टेट नहीं है, यहां पर Cl इज अ आइसोलेटेड स्टेट। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं बच्चों, यहां पर डेफिनेशन, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगर मैं एंथैल्पी के टर्म में बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात क्लियर है बच्चों, तो ध्यान से समझना बच्चों कि जो एनर्जी, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, जो ये न्यूक्लियाई है, न्यूक्लियाई आपके ये जो एक्स्ट्रा आप इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हो इस पर आपका क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स, इस पर आपका क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स। अब इस पर अगर आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा तो इस वजह से आपकी क्या होगी बच्चों, एनर्जी का रिलीज होगा। अब यहां पर आपका अगर एनर्जी का रिलीज होगा इसका मतलब क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा, एक्सोथर्मिक फिनोमिना। तो ये तो आपका एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होता है, और यहां पर कौन सा फोर्स वर्क करता है बच्चों, न्यूक्लियाई और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का। ठीक है,
हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में देखते हैं बच्चों कि किस तरीके से हम इसको लिखते हैं, ठीक है। इसको लिखने का एक तरीका होता है, देखो यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है, अगर एक दो बार करोगे तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसका वेरिएशन बताऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं बच्चों ये किस तरीके से होता है। देखो जैसे जैसे मैंने Cl है, ठीक है, Cl को मैंने गैसेस एटम लिया, अगर इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो यहाँ पर Cl माइनस, ठीक है, ये आपका यहाँ से जो आपका एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से आपका सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा बच्चों, रिलीज होगा। सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा बच्चों, आपका रिलीज होगा। जो एनर्जी रिलीज होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एच, अगर मैं डेल्टा एच के फॉर्म में बात करूंगा। और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बात क्लियर है बच्चों, बात क्लियर है। देखो अगर मैंने ऐसा लिख दिया Cl सॉलिड, Cl सॉलिड तो नहीं, यहां पर मैंने कुछ लिख दिया, देखो अगर मैंने यहां पर बोल दिया कि Cl2 में, Cl2 के गैसेस मीडियम में मैंने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया यहां पर Cl2 माइनस, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर जो एटम है, यहां पर जो एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी वो आपका क्या नहीं होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बात को ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये आपका इज नॉट, इट इज नॉट इन आइसोलेटेड स्टेट। हमको आइसोलेटेड स्टेट में चाहिए, हमको आइसोलेटेड स्टेट में चाहिए, और गैसेस चाहिए, गैसेस तो है लेकिन यहाँ पर आइसोलेटेड स्टेट में नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन, आपका गेन एंथैल्पी यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ यह आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा। सबसे पॉइंट वाली बात यह है, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट हम समझते हैं यहाँ पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा होता क्या है बच्चों, ध्यान से समझेंगे, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारा होता क्या है, तो देखते हैं बच्चों। यहां पर मैंने बात किया सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब देखो यहां पर सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपका होता क्या है, ध्यान से समझेंगे। देखो यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपको एक नया फंडामेंटल समझ में आएगा। देखो यहां पर Cl है, Cl गैसेस एटम है, आइसोलेटेड है, यहां पर मैं लिख देता हूं आइसोलेटेड गैसेस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम है। अब देखो आइसोलेटेड गैसियस एटम में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन का एडिशन कराया तो यहां पर Cl माइनस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा नाउ। लेकिन जैसे ही मैं यहां पर Cl माइनस में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो यहां पर Cl2 माइनस, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझना, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एक्स के केस में, ठीक है, एक्स के केस में लेता हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है। Cl के केस में आप लोग बोलोगे कि Cl के ऊपर -2 तो होता ही नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। देखो ये मैंने एक कंडीशन लिया, काफी अच्छा है, काफी सिंपल कंडीशन है। अब देखो यहां पर क्या होगा यहां पर आपका क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर आपका एनर्जी रिलीज होगी, और यहां पर भी आप लोगों का क्या होगा बच्चों, एनर्जी रिलीज होगी। अब दोनों कंडीशन में आपका एनर्जी रिलीज होगा, यहां पर तो एनर्जी रिलीज होगा जहां पर न्यूक्लियाई और आपका एक्स मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच आपका फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स, जहां पर आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और अट्रैक्टिव फोर्स लगने की वजह से ही आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका एक्सोथर्मिक फिनोमिना, ये आपका एक्सोथर्मिक फिनोमिना हो जाएगा। लेकिन अब बात को ध्यान रखना कि यहां पर पहले से इसके ऊपर माइनस है और इस पर इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर क्या होगा, ये यहां पर ये वाला जो माइनस चार्ज है ये वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपल करेगा, क्या करेगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा बच्चों, यहां पर रिपल्सिव फोर्स, यहां पर ये वाला रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अब रिपल्सिव फोर्स लगाने की वजह से यहां पर एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, यहां पर आपकी क्या होगी बच्चों, एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, बात को ध्यान से समझना, यहां पर एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी। अब यहां पर जब आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो यहां पर जो आपका प्रोसेस होगा वो क्या होगा, एंडोथर्मिक, आप बात को ध्यान से समझना। मैक्सिमम केस में हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट स्टेप इज
यहाँ पर फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, एक्सोथर्मिक, एंड सेकेंड स्टेप ऑफ दिस एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, एक्सोथर्मिक, और ये आपका नेगेटिव होता है थोड़ा सा। एंड यहाँ पर आपका एंडोथर्मिक होगा, ये आपका माइनस होगा, तो ये आपका प्लस होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है बच्चों, एक्स के जब मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं तो एक्स माइनस बन रहा है, ठीक है, एक्स माइनस बन रहा है, लेकिन जब मैं एक्स माइनस में इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहा हूं तो एक्स माइनस टू बन रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा, ये प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक है। क्यों है, क्योंकि दोनों के आपके नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अब यहाँ आपके एक दूसरे को रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज ना होके यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। वैसे तो एनर्जी क्या होनी चाहिए बच्चों आप लोगों की, यहाँ पर रिलीज होनी चाहिए, वैसे एनर्जी आप लोगों की क्या होनी चाहिए, रिलीज होनी चाहिए, लेकिन रिपल्सिव फोर्स की वजह से यहाँ पर एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, एब्जॉर्ब हो जाती है, और इस वजह से इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है, ध्यान से समझना। इसमें अगर मैं पहले बात करूं, पहला जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट इज व्हाट, नेगेटिव इन प्रोसेस, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज सेकंड, मैक्सिमम केस में हम बोलेंगे पॉजिटिव इन प्रोसेस। बात क्लियर है, बात क्लियर है। तो ध्यान रखना है हमको, एक तो आइसोलेटेड गैसेस एटम लेना है और उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब हम चलते हैं बच्चों इसके नेक्स्ट फिनोमेना पे। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो वेरिएशन कैसे करेगा। देखो अब इसका मैं फैक्टर अफेक्टिंग बता देता हूँ कि किस तरीके से फैक्टर अफेक्ट करेंगे, तो देखते हैं बच्चों एक एक करके ध्यान से, काफी ईजी है। देखो यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इस पर कौन कौन से फैक्टर आपके अफेक्ट करेंगे, बात को ध्यान से समझना, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग है। सबसे पहला मैं बात करता हूं साइज का, साइज का। अब मैं ट्रेंड्स में बात कर लेता हूं यहां पर, कि अगर मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, क्या जाऊंगा बच्चों, लेफ्ट टू राइट में जाऊंगा, लेफ्ट टू राइट जाऊंगा, तो आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई आपका डिक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियाई आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर अगर आपका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो गया, तो एटॉमिक रेडियाई अगर आपका डिक्रीज हो गया, तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो गया तो आपका क्या होगा, जैसे ही आपका साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो न्यूक्लियाई, देन आपका क्या 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 होगा, डिस्टेंस बिटवीन, मैं लिख देता हूं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई एंड एंड एडिटिव इलेक्ट्रॉन, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई एंड एडिटिव इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस छोटा होगा तो डिस्टेंस बिटवीन कौन कौन सा, जो हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एडिटिव इलेक्ट्रॉन का मतलब हम क्या बोल रहे हैं बच्चों यहां पर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो हम ऐड कर रहे हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विच वी विल ऐड, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम ऐड कर रहे हैं उसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, आपका कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम हो जाएगा तो इसका मतलब जो एनर्जी रिलीज होगी, जो एनर्जी आपकी रिलीज होगी वो आपके कौन से अमाउंट में होगी, हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, और हायर अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। जब आपका यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई अगर आपका डिक्रीज होगा तो बात को ध्यान से समझना, ये मैंने एटम बना दिया, ठीक है। अब देखो साइज मैंने ऐसा बना दिया, एक साइज मैंने ऐसा बनाया, समझने के लिए, एज अ सिंपल समझने के लिए इसका साइज मैं छोटा बना दिया। अब देखो ये ए है और ये बी है, अब बी का साइज आपका छोटा है, बी ये ए है और यहाँ पर बी है। अब देखो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ए ऐड करूंगा तो इन दोनों के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो क्या होगा,
यहाँ पर अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा बच्चों, यहाँ पर भी आपका अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और यहाँ पर भी मैं अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन हम ध्यान से समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी आपका अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या है बच्चों? डिस्टेंस आपका हाई है, यहाँ पर डिस्टेंस आपका क्या है बच्चों? लो है। यहाँ पर आपका डिस्टेंस क्या है बच्चों? लो है। और डिस्टेंस लो होने की वजह से यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ पर जो आपकी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या होगी बच्चों? इन हायर अमाउंट आपकी एनर्जी रिलीज होगी, वो कौन से अमाउंट में? हायर अमाउंट में। क्यों? क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या है? कम है। अब डिस्टेंस कम होगा तो एनर्जी आपके हायर अमाउंट में रिलीज होगी। जब एनर्जी आपके हायर अमाउंट में रिलीज होगी तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका इंक्रीज कर जाएगा। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अगर मैं साइज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कम होती जाएगी। जैसे जैसे मैं साइज बढ़ाऊंगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी कम होती जाएगी। आप लोग समझ सकते हो, देखो साइज छोटा है तो डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कम हो गया, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा लगेगा इसका मतलब एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, और ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो क्या होगा बच्चों? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं? हैंस हैंस नाउ वी कैन से दैट व्हेन वी मूव मूव लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल क्या होगा बच्चों? यहां पर सबसे पहले लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एफिनिटी विल इंक्रीज आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो आपका था, मैंने पहला पॉइंट आपको पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट का मूवमेंट का बता दिया। अब देखो सिमिलर कंसेप्ट हम लगाएंगे यहाँ पर, सिमिलर कंसेप्ट। अब यहाँ पर एटॉमिक रेडियाई कम क्यों होती है? ड्यू टू द जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन जेड इफेक्टिव, सो दैट्स व्हाई यहां पर आपका एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है जब मैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करता हूँ। लेकिन जब मैं देखो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में साइज में, जब मैं पीरियोडिक टेबल में बच्चों टॉप टू बॉटम मूव करूंगा, क्या टॉप टू बॉटम जब मैं मूव करूंगा तो आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। और एटॉमिक रेडियाई आपका इंक्रीज क्यों होगा? एटॉमिक रेडियाई आपका इंक्रीज होगा, क्यों होगा? क्योंकि आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे, तो इसलिए आपका एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो आपका एटॉमिक रेडियाई आपका इंक्रीज कर जाएगा। ये तो आपका फंडामेंटल है, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई। लेकिन मैंने आपको अभी अभी बताया कि साइज बढ़ेगा तो जो अट्रैक्शन फोर्स है उसमें डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। अब डिस्टेंस अगर आपका ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी। तो हैंस मैं आपको क्या बता सकता हूं बच्चों? यहां पर हम क्या बोल सकते हैं? हैंस हैंस when we move top to bottom in periodic table इलेक्ट्रॉन एफिनिटी विल डिक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपका क्या होगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर साइज के एस्पेक्ट में हम यहाँ पर बोल सकते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमको साइज के रेस्पेक्ट में मुझको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखना है, ठीक है। काफी इजी कंसेप्ट है, अगर एक दो बार आप लोग करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन बस इस चीज का ध्यान रखना, सेकंड जो प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बच्चों, वो आपका क्या होता है बच्चों? यहाँ पर सेकंड जो प्रोसेस होगा बच्चों वो आपका आपका एंडोथर्मिक होगा। कौन सा होगा? एंडोथर्मिक। बस इस प्रोसेस को थोड़ा सा जान लो, काफी इजी है। अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब मैं बोलना चाहता हूं कि सेकंड पॉइंट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से इफेक्ट करेगा। यहाँ पर जेड इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरीके से इफेक्ट करेगा बच्चों, अब देखो ध्यान से,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब कि क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स इफेक्ट, जेड इफेक्टिव की वजह से आपका क्या हो जाएगा, जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। और अट्रैक्शन फोर्स अगर आपका इंक्रीज हो जाएगा, नाउ आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगा। या तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, या तो मैं बोलूंगा जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो आपका साइज छोटा होगा, और साइज छोटा होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाएगा। या तो मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। अब थर्ड जो इसमें देखने लायक पॉइंट है, थर्ड आपका यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ जेड इफेक्टिव बोलो, या फिर मैं इसी के रेस्पेक्ट में उल्टा बोलता हूँ बच्चों, यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट आपका ज्यादा होगा तो यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब, स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो आपका साइज क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। साइज बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। इस चीज को आप लोग जान लो अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर सेकेंड आपका सबशेल, ठीक है, सबशेल, सबशेल। अब देखो सबशेल, यहाँ पर लिख लो पेनिट्रेशन पावर, ज्यादा अच्छा रहेगा, पेनिट्रेशन पावर। अब देखो पेनिट्रेशन पावर हम क्या बोलेंगे, अब मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी में पेनिट्रेशन पावर आपका क्या होता है। अगर मैं पेनिट्रेशन पावर का ऑर्डर बोलूँ तो एस का सबसे ज्यादा, पी का, फिर आपका एफ का, ठीक है। अब देखो पेनिट्रेशन पावर क्या होता है बच्चों, आपके आपका यहाँ पर वैलेंस शेल को अट्रैक्ट करने की, यहाँ पर हम सिंपल बोल सकते हैं पेनिट्रेशन पावर आपका क्या होगा, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखो एस ऑर्बिटल क्या होगा बच्चों, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियाई, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियाई, ये आपका न्यूक्लियाई के ज्यादा क्लोजर होगा, और ये आपका क्या होगा, लेस क्लोजर टू न्यूक्लियाई, क्लोजर टू न्यूक्लियस, ये आपके न्यूक्लियस के ज्यादा, यहां पर लेस क्लोज होगा, ये आपका ज्यादा क्लोज होगा। तो ज्यादा क्लोज होगा तो साइज भी अपने आप छोटी हो जाएगी। अगर मैं एस और ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को एंटर करा रहा हूं तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, मोर क्लोजर टू न्यूक्लियाई। सो दैट्स व्हाई यहां पर मैं क्या बोल सकता हूँ, इसी से अट्रैक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर अट्रैक्शन फोर्स आपका क्या हो जाएगा, विल बी मैक्सिमम। अब यहां पर अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम हो गया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी बढ़ जाएगी। इस तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास सबशेल दे दे के बोले कि कौन से सबशेल में आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा, एस सबशेल में आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा, ठीक है। पेनिट्रेशन पावर के बारे में मैंने आपको आयोनाइजेशन एनर्जी में अच्छे से बताया बच्चों, आप लोग समझ सकते हो वहां पर। नेक्स्ट नेक्स्ट अब देखो यहां पर नेचर ऑफ कॉन्फिग्रेशन, अगला जो इसमें पॉइंट है वो आपका है नेचर ऑफ कॉन्फिग्रेशन। अब ध्यान से समझना, नेचर ऑफ कॉन्फिग्रेशन में अगला जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, नेचर ऑफ कॉन्फिग्रेशन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन के नेचर के हिसाब से हम कैसे बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना। दो टाइप के नेचर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन में, एक तो होता है आपका हाफ फील्ड, एक होता है बच्चों आपका फुल फील्ड। तो यहाँ पर मैं दो टाइप के बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझना, एक होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल। एक होगा बच्चों आपका कौन सा, फुल फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल। अब फुल फील्ड ऑर्बिटल में कौन कौन आएगा, S2, P6, D10, F14, और यहां पर कौन कौन आएगा बच्चों, P3, D5, F7, ठीक है। ये हो गया हाफ फील्ड ऑर्बिटल, ये हो गया फुल फील्ड और ऑर्बिटल। अब जनरली आप लोग बोल सकते हो कि फुल फील्ड ऑर्बिटल इज अ मोर स्टेबल, फुल फील्ड ऑर्बिटल इज अ स्टेबल, ये आपका क्या होता है बच्चों, दोनों के दोनों स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन होते हैं बच्चों, दोनों के दोनों, दोनों के दोनों होते हैं बच्चों, वैसे तो दोनों के दोनों होते हैं स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। तो ध्यान से समझना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड ऑर्बिटल का कंडीशन मैं कहाँ ले सकता हूँ, ये मैं ले सकता हूँ आपका ग्रुप 13 में, ग्रुप नंबर में आपका 15 में, सॉरी ग्रुप नंबर 15 में, मतलब कौन कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। और ये वाला कंडीशन मैं किस में ले सकता हूँ, देखो ये वाला कंडीशन
बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। और इसी के साथ मैं इसमें भी ले सकता हूँ बच्चों, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडोन। ठीक है, इस तरीके से मैं इसमें भी ले सकता हूँ बच्चों, इन दोनों में मैं फुल फिल्ड का लूंगा, इन दोनों में मैं हाफ फिल्ड का लूंगा। तो ध्यान से समझना, जो आपके इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कंप्लीटली जीरो। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों इन दोनों की, कंप्लीटली जीरो। लेकिन इसमें ग्रुप 15 में आपका एक कुछ केसेस है, कुछ कंडीशन है, कुछ कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर। समझना ध्यान से कि इन ग्रुप 15 फॉर हाफ फिल्ड और ऑर्बिटल, फुल फिल्ड ऑर्बिटल के लिए मैंने आपको बता दिया कि एस का कितना होगा, जीरो होगा। एस का यहाँ पर सॉरी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम का क्या होगा, जीरो होगा। और हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपकी क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। अब हम मुद्दे की बात करते हैं यहाँ पर कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल का क्या इफेक्ट है। देखो मैं यहाँ पर बना देता हूँ ग्रुप 14, जीआरपी 14, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ जीआरपी नंबर 15। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहां पर मैंने ये बना दिया और यहां पर मैंने बना दिया। ठीक है, ये मैंने बना दिया। देखो अब देखो यहां पर इसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होगा, देख सकते हैं हम यहां पर NH2 NP3 होता है, और यहां पर क्या होता है NH2 NP2 होता है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये आपका स्टेबल होगा। जब ये आपका स्टेबल होगा तो अगर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड करूंगा तो क्या ये होने देगा? ठीक है, ये आपका देखो इट, अब देखो यहां पर सिंपल बोल बोल सकते हैं, अगर ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो क्या ये आपके स्टेबल से अनस्टेबल होने की ओर मूव करेगा? क्या ये स्टेबल से अनस्टेबल होने की मूव करेगा? आप लोग सपोज करो कि एक इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, मतलब ये एटम है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में, अगर मैं इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो क्या ये आपको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एड होने देगा? नहीं होने देगा। तो सो वी कैन नॉट एड, वी कांट एड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन में यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट, आउटर इलेक्ट्रॉन को मैं इसमें एड नहीं कर सकता। मैं यहां पर कौन से इलेक्ट्रॉन को, आउटर इलेक्ट्रॉन को जो मैं बाहर से लाया हूँ वो, उस इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर ऐड नहीं कर सकता। जब मैं आउटर इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड नहीं कर सकता तो इसकी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो स्टेबल है, मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड नहीं कर सकता। अगर मैं एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ऐड भी करना चाहूंगा तो मुझे एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज हो आपकी हो रही थी, वही एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी। एटम एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। एटम एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आपके क्या होता है, वो एनर्जी रिलीज फिनोमिना होता है। लेकिन जब ये एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। सो हैंस हैंस वी कैन से दैट, वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 14 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 15। ये ध्यान रखना, हैंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 14 इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ग्रुप 15। तो ये बात को ध्यान रखना, ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी ज्यादा होती है। बात को ध्यान से समझना कि अगर आपको कभी इस तरीके का कंडीशन आपको पकड़ा दे, मान लो सपोज दैट कि आपको ये वाला पकड़ा दे नेपा, ये आपका ऑक्सीजन और ये आपका यहाँ पर फ्लोरीन, अब आपको बोले कि इसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताओ। जनरली अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करूंगा, लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूवमेंट करूंगा तो जैसे ही मैं यहाँ पर लेफ्ट टू राइट अगर मैं मूवमेंट करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इस तरफ से मूवमेंट होगा। जब इस तरफ से मूवमेंट होगा तो मतलब क्या होगा, साइज आपका जनरली क्या होगा, डिक्रीज होगा। साइज आपका डिक्रीज होगा मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, हम लोग क्या गलती करेंगे, गलती समझो, गलती हम लोग यहाँ पर ये करेंगे कि यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, देन आफ्टर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद कार्बन। लेकिन हमको क्या करना है कि यहाँ पर ध्यान देना है कि देखना है ध्यान से कि नाइट्रोजन आपका तो क्या है बच्चों, नाइट्रोजन आपका हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है।
हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से क्या हो गया होगा बच्चों यहाँ पर, कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू कार्बन। मैंने अभी अभी लिखाया मैंने, तो आपका जो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर होगा वो आपका ऐसा होगा। देखो अभी अभी मैंने लिखवाया था यहाँ पर, इस चीज को ध्यान से समझो ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देख सकते हैं ठीक है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ एक एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट ठीक है। अगर मैं जनरली ऐसा देखा गया है, फिफ्थ पॉइंट, जनरली जनरली आपका क्या होना चाहिए बच्चों, जनरली आपका ऐसा होना चाहिए फ्लोरीन की आपकी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए आपके ठीक है, ऑक्सीजन की आपके सल्फर से ज्यादा होनी चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन का आपका सल्फर से ज्यादा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं अगर बोल दूँ कि यहाँ पर मैंने अगर आपको बोल दिया ऑक्सीजन का सल्फर से ज्यादा, फॉस्फोरस यहाँ पर नाइट्रोजन का आपका फॉस्फोरस से ज्यादा होना चाहिए, और सिलिकॉन का यहाँ पर कार्बन का आपका सिलिकॉन से ज्यादा होना चाहिए। देख सकते हो बच्चों ये सारे आपके थर्ड पीरियड के एलिमेंट है। मैंने बोला था ना डाउन द ग्रुप जाएंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है, ये आपका सेकेंड पीरियड का है ठीक है। जनरली ऐसा होना चाहिए, जनरली आपका ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये आपका इस तरीके से नहीं होता है, इस तरीके से नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो मैं बताता हूँ। देखो ये आपका जनरली इस तरीके से होना चाहिए था, लेकिन ये आपका इस तरीके से नहीं होता है। अब ये इस तरीके से नहीं होता है तो क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ बच्चों। अब यहां पर क्या होता है एक्चुअली में हम देख सकते हैं कि आपका क्या होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट इज लेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ थर्ड पीरियड एलिमेंट ठीक है। थर्ड पीरियड एलिमेंट से लेस होता है इन व्हाट, यहां पर मैं बोल सकता हूं ग्रुप जीआरपी नंबर, मैं आपको बोल सकता हूं यहां पर 14 15 16 17 के लिए ऐसा मैं मान सकता हूँ ठीक है। इन सब के लिए आपका ऐसा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ध्यान से समझना कि देखो यहां पर मैं बोलता हूँ सेकेंड पीरियड एलिमेंट लोअर इन साइज में छोटा होगा। अब साइज में छोटा होगा तो एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बहुत ज्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन सो यहां से क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवार्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड न्यूक्लियाई इज सो हाई, सो हियर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स विल एक्ट एंड एंड यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा। अब जब यहां पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट होगा तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ सिंपली यहां पर स्ट्रक्चर के थ्रू। अब देखो फ्लोरीन का साइज छोटा है और क्लोरीन, मैं फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। देखो यहां पर मैंने फ्लोरीन बना दिया, ये यहां पर मैंने ये आपका क्या बना दिया क्लोरीन ठीक है, ये मैंने क्लोरीन बना दिया। अब देखो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बच्चों वो क्या होगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी बच्चों हाई होगी, मतलब इलेक्ट्रॉन आपके डेंस होंगे मतलब छोटा साइज होगा। अब छोटे साइज में अगर मैंने छोटी मतलब बकेट लिया, छोटे बकेट में मैंने अगर 6 बॉल्स को रख दिया और मैंने एक बड़े बकेट में 6 बॉल को रखा तो डेंस आपका किस में होगा, छोटे बकेट में। क्यों, क्योंकि वो वहां पर आपके स्पेस कम होंगे ठीक है, तो इसीलिए यहां पर आपका डेंस होगा। डेंस होगा तो क्या होगा, जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन, ये मान लिया ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। अब ये आपका यहां पर रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा और रिपल्सिव फोर्स एक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन क्लोरीन के केस में क्या होता है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपकी क्या होती है बच्चों,
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी लो नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या होती है, लो होती है। लो होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स विल एक्ट इन वेरी स्मॉलर अमाउंट। अब जब ये वेरी स्मॉलर अमाउंट में रिपल्सिव रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहां पर बस इस चीज में ध्यान रखो कि आपका अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेकेंड पीरियड एलिमेंट का लेस होता है एज कंपेयर टू थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो नाउ अगर मैं बोलना चाहूं हेंस, यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, यहां से हेंस रिजल्ट इज, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, हेंस रिजल्ट क्या होगा बच्चों, क्लोरीन का ज्यादा होगा, उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। ये हो गया आपका किसके लिए, ग्रुप ग्रुप 17 के लिए। अगर मैं बताऊं ग्रुप सेकंड ग्रुप 16 के लिए, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर सेलेनियम, सेलेनियम का और ज्यादा होता है बच्चों, ध्यान से समझ लेना बच्चों, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है। देन ऑक्सीजन, यहाँ पर टेलोरियम, ये आ गया आपका किसके लिए, ग्रुप 16 के लिए, ग्रुप 16 के लिए। अगर मैं बोलना चाहूं तो यहाँ पर फॉस्फोरस का ज्यादा होगा, यहाँ पर आर्सेनिक, एंटीमनी, ये हो गया आपका ग्रुप 15 के लिए। और यहां पर अगर मैं बोलना चाहूं तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद कार्बन, यहां पर जर्मेनियम, यहां पर ये हो गया आपका किसके लिए बच्चों, ग्रुप 14 के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बोलना चाहूं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की किसकी होती है, तो ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर इन पीरियोडिक टेबल हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होगी बच्चों, क्लोरीन की। बस इस बात को ध्यान रखना, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। अब आपको मैंने बता दिया कि यहां पर आपका नोबल गैस का कितना होगा, जीरो होगा, नोबल गैस का सबसे लेस होगा, ठीक है। नोबल गैस के बाद आपका जहां पर जो बेरिलियम मैग्नीशियम वाला है उसका जीरो होगा। तो इस तरीके से हमारा ये सब कुछ हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछो, कल हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ेंगे। आप लोग एक बार थ्योरी को ध्यान से समझते समझते पढ़ लो। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच।